लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के दीघा में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर सील बिल्डिंग में कब्जा करने का बड़ा खुलासा हुआ है। दीघा के इस बिल्डिंग का नाम अंबिका अपार्टमेंट है, जिसे कोर्ट ने 3 साल पहले एक याचिका की सुनवाई के दौरान फैसला करते हुए अवैध माना और सील कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि कुछ स्थानीय नेताओं और भूमाफियाओं ने पहले इस बिल्डिंग का ताला तोड़ा, फिर लाइट और पानी कनेक्शन भी जोड़ दिया। ताज्जुब इस बात का है कि खुद MIDC और महानगर पालिका के अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं, जो उनकी नीयत और धांधली की पोल खोलता है। इस पर रवाले पुलिस की अनभिज्ञता भी कई सवाल खड़े करती है। देखिए रिपोर्ट। MIDC के अंदर है हमारा पानी का कनेक्शन, तथा हमने कट किया है, कट कर दिया, 4 बार कट किया, अभी कट किया है। वो आप MIDC से पता करो, MIDC के कब्जे में वो अभी कुछ नहीं है। पुलिस की कोई भूमिका उसमें नहीं है? नहीं, अभी जब MIDC वाले कुछ अगर वो उनके कब्जे में वो कुछ बोलेंगे तो देखेंगे। तस्वीर में दिख रही नवी मुंबई दीघा की ये वही अंबिका बिल्डिंग है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। जी हां, उच्च न्यायालय ने 4 साल पहले इस अंबिका अपार्टमेंट को अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां लाइट पानी काटकर रहवासियों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आज उसी बिल्डिंग में कुछ स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थकों के जरिए कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से लाइट और पानी का कनेक्शन भी जोड़ दिया गया है। हकीकत यह है कि कानूनी फाइलों में MIDC अधिकारी जिस इमारत को खाली और सील दिखा रहे हैं, वहां अब दबंगों का कब्जा है। सबूत के तौर पर NMMC के वाटर सप्लाई इंजीनियर अजीत भवारी की ही सुन लीजिए, जिन्होंने अपने कर्मचारियों की करतूत की पुष्टि करते हुए TV1 इंडिया के सवाल पर क्या जवाब दिया। हेलो भवारी साहब, ये दीघा की अंबिका बिल्डिंग का क्या मामला है? कौन सा अंबिका? वो तो कोर्ट ने सील किया था, आप लोगों ने वाटर सप्लाई चालू कर दी है। हमने किधर चालू किया उसको? किसने चालू किया? अंबिका कंप्लेन दर्ज हुई है क्या? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है वो। नहीं देखो, अभी कैसे हम कट करते हैं अभी, लेकिन बाद में क्या होता है, कोई ले लेता है तो अभी समझ गया वैसा कट किया जूनियर इंजीनियर और प्लम्बर। अभी 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 जो ये कनेक्शन लिया गया, अगर किसी ने इलीगल कनेक्शन लिया है तो उसका FIR वगैरह कुछ आपकी तरफ से दर्ज किया गया है क्या? कौन सा बिल्डिंग का बोल रहे हैं? ये बिल्डिंग का अंबिका की ही बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। ऐसा कुछ डोन नहीं किया, खाली कट किया। ये किसने कनेक्शन किया था, आपको जानकारी मिली है? वो जूनियर इंजीनियर को फोन आया। हाँ, जूनियर इंजीनियर को फोन आया, उसने कट किया। नहीं, किसने कनेक्ट किया था ये जानकारी आपके पास आई है? नहीं मालूम उसको, फोन आया था चालू जो है ताबड़तोड़ जाकर कट कर दिया। बताना जरूरी है कि अंबिका बिल्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार देने के बाद MIDC ने 3 साल पहले इस बिल्डिंग को खाली करा दिया था। फिलहाल किसी भी कोर्ट ने इस बंद इमारत को खोलने या हैंडओवर करने का आदेश नहीं दिया है, फिर भी 70 फ्लैट वाली इस इमारत में कब्जा हो गया है। सूत्रों की माना तो यह सब मनपा, MIDC और पुलिस अधिकारियों की भारी अनदेखी और स्थानीय नेताओं के साथ मिलीभगत का खेल है। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों और स्थानीय नेताओं ने इसे हथियाने के लिए करोड़ों की बंदरबांट की है। वजह यही है कि हर अधिकारी इसके सवाल पर अनभिज्ञता जता रहा है। MIDC के RO सतीश बागल भी जहां अनजान बनते दिखे, वहीं उनके अभियंता शशिकांत गिट्टे ने पुष्टि करते हुए कार्रवाई का हवाला दिया। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। पत्रकार सुधीर शर्मा बोल रहा हूँ TV1 इंडिया से। गिट्टे जी, दीघा की जो अंबिका बिल्डिंग है, अंबिका बिल्डिंग, उसको कोर्ट ने सील किया है और आप लोग उसको रहने के लिए अलाउ कर दिए हैं?
किसको हैंड ओवर किया आप लोगों ने? नाम पता नहीं है, लेटर में देख के बोलना पड़ेगा। नहीं, किसने? कोर्ट, कोर्ट ने तो सीलिंग का सिक्का लगाया, तो फिर हैंड ओवर कभी कोर्ट ने कभी ऑर्डर किया हैंड ओवर करने का? कोर्ट ने कभी हैंड ओवर करने का ऑर्डर दिया है? जी सतीश बागल साहब बोल रहे हैं। बागल साहब, जो दीघा की अंबिका बिल्डिंग है उसको कोर्ट ने ऑलरेडी सील करके रखा है, लेकिन उसमें आप लोगों ने कैसे रहने के लिए अलाउ कैसे कर दिया आप लोगों ने? इतना सीरियस मामला है और उसमें रहने के लिए लोग आ गए हैं, बिजली पानी कनेक्शन लग गया है, तो ये तो सीधे MIDC का नेग्लिजेंस दिख रहा है और बहुत बड़ा धांधली दिख रही है। गौरतलब है कि दीघा की 99 इमारतों की आड़ में कई मंत्री और बड़े नेता अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अंबिका में कब्जा जमाने का यह खेल भी उन्हीं राजनीतिक रसूखदारों के चहेतों के जरिए किया गया है। सवाल यह है कि जिस पुलिस और MIDC पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वह अनभिज्ञता जताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन TV1 इंडिया जल्द ही इसका बड़ा खुलासा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।